तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आत्मा के नाम पर प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईश्वर ने हमारे जीवन की रचना की है, हमारे जीवन को सुरक्षित रखा है और ईश्वर ने हमारी पुकार को सुनते हैं। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 120 वाक्य 1 में स्तोत्रकार कहते हैं, मैंने संकट में प्रभु को पुकारा और उसने मेरी पुकार सुनी है। जी हाँ, जब जब हम ईश्वर को पुकारते हैं, ईश्वर हमारी पुकार को सुनते हैं। जब जब हम ईश्वर के पास में आते हैं, ईश्वर हमें गले लगाते हैं। जब जब हम ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर हमारे लिए मिलते हैं। इसलिए हम नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 29 वाक्य 12 में ईश्वर स्वयं कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, यदि तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा, और यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम पाओगे। जी हाँ, जब जब हम ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर हमें मिलते हैं। इसलिए हमारे जीवन का एक हिस्सा धन्यवाद होना चाहिए। हर वक्त, हर पल, हर क्षण, दुख में, सुख में, शोक में, आंसू में, हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 95 वाक्य 2 में पढ़ते हैं, स्तोत्रकार पुनः कहते हैं, आओ हम धन्यवाद करते हुए ईश्वर के पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, क्योंकि हमारे ईश्वर सर्वशक्तिमान और महान है। जी हाँ, आइए हम सब कुछ के लिए, सभी वरदानों के लिए, उनके महान प्रेम के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते, स्तुति और आराधना करते हुए एक भजन गाएं। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, तूने मेरा मालिक है, आइए हम कुछ पल आंखें बंद करें। इस वक्त हम ईश्वर को एहसास करें।
जिस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, वह मिसा बलिदान ऐसा बलिदान है जहां पे मनुष्यों का संगम ईश्वर के साथ होता है। जिस मिसा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं, वो मिसा बलिदान ऐसा बलिदान है जहां पे हम प्रभु येसु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान को मनाते हैं। यह मिसा बलिदान ऐसा बलिदान है जहां पे हम अपने आप को नम्र और विनीत बनाते हैं। यह बलिदान ऐसा बलिदान है जहां पे हम ईश्वर को दर्शन करते हैं और उनको पहचानते हैं। किंतु हमारे जीवन में एक ऐसी बाधाएं हैं जिसके द्वारा हमें हमारी आंखें बंद हो जाती है, और वह है पाप। इसलिए हम रोमियों के अध्याय 6:23 में पढ़ते हैं, वचन कहता है, पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है ईसा मसीह में अनंत जीवन। आइए हम अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप करें और क्षमा याचना का गीत गावें। तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम, तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम, करुणा सागर शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें, हे पिता अपने अपूर्व अनुग्रह से तू हम लोगों को हर आशीर्वाद से संपन्न करता है। हम अपना पुराना जीवन बदल कर नया जीवन अपनाए और इस प्रकार अपने को स्वर्गिक राज्य की महिमा के लिए तैयार करें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 13, पद संख्या 1-9, 15-17। मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे मरना होगा। लोगों ने सुसन्ना को प्रांदन की आज्ञा दी। इस पर सुसन्ना ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे शाश्वत ईश्वर, तू सब रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाएं जानता है। तू जानता है कि इन्होंने मेरे विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इन्होंने जिन बुरी बातों का अभियोग मुझ पर लगाया है, मैंने उनमें से एक भी नहीं किया, फिर भी मुझे मरना होगा। ईश्वर ने उसकी सुन ली। जब लोग उसे प्रांदन के लिए ले जा रहे थे, तो ईश्वर ने दानियल नामक युवक में एक दिव्य प्रेरणा उत्पन्न की। वह पुकार कर कहने लगा, मैं इसके रक्त का दोषी नहीं हूँ। इस पर सब लोग उसकी ओर देखने लगे और बोले, तुम्हारे कहने का अभिप्राय क्या है? उसने उनमें खड़ा होकर कहा, हे इसराइलियो, आप लोग की बुद्धि कहाँ है जो आप जांच
और पूरी जानकारी के बिना इसराइल की पुत्री को प्राणदंड देते हैं। आप न्यायालय लौट जाइए, क्योंकि इन्होंने इनके विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इस पर लोग तुरंत लौट गए और नेताओं ने दानियल से कहा, आइए हमारे बीच बैठिए और हमें अपनी बात बताइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको नेताओं जैसा अधिकार प्रदान किया है। दानियल ने उनसे कहा, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दीजिए और मैं इनसे पूछताछ करूंगा। जब दोनों को अलग कर दिया गया तो दानियल ने एक को बुलाकर उनसे कहा, अधर्म करते करते तेरे बाल पक गए हैं, अब तुझसे अपने पुराने पापों का दंड मिलने वाला है। तू निर्दोषियों को दंड देकर और दोषियों को निर्दोष ठहरा कर अन्यायपूर्वक विचार किया करता था, जबकि प्रभु ने कहा है, तुम निर्दोषियों को धर्मी को प्राणदंड नहीं दोगे। अब यदि तूने इससे देखा तो हमें बता कि तू किस वृक्ष के नीचे दोनों को एक साथ देखा। उसने उत्तर दिया, बाबुल के नीचे। दानियल ने कहा, इतना बड़ा झूठ बोलकर तूने अपना सिर गवा दिया है। ईश्वर ने दूत को, ईश्वर से यह आदेश मिल चुका है कि वह मुझे दो टुकड़ा कर दे। दानियल ने उससे ले जाने की आज्ञा देकर दूसरे को बुला भेजा और उनसे कहा, तू यूदा का नहीं कानान का संतान है, सौंदर्य ने तुझे पत भ्रष्ट किया और वासना ने तेरा हृदय दूषित कर दिया है। तुम लोग इसराइल की पुत्रियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते थे और वे डर के मारे तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करती थी, किंतु यह यूदा की पुत्री है जो तुम्हारे अधर्म के सामने कुछ झुकी है। तो मुझे बता, तूने किस ब्रिज के नीचे दोनों को साथ देखा? उन्होंने उत्तर दिया, बाबुल के नीचे। इस पर दानियल ने कहा, तूने भी इतना बड़ा झूठ बोलकर अपना जीवन गंवा दिया है। ईश्वर का दूत हाथ में तलवार लिए प्रतीक्षा कर रहा है, वह तुझे दो टुकड़े कर देगा और तुम दोनों का सर्वनाश करेगा। तब समस्त सभा ऊंचे स्वर से जयकार करते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगी, जो अपने पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करता है। दानियल ने उसके अपने शब्दों द्वारा दोनों नेताओं की गवाही असत्य प्रमाणित की थी, इसलिए लोग उन पर टूट पड़े और उन्होंने मूसा की संहिता के अनुसार उन्हें दुष्टों को वह दंड दिया जिससे वे अपने पड़ोसी को दिलाना चाहते थे, और लोगों ने दोनों का वध कर डाला। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्या, चाहे अंधेरी घाटी हो कर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अनुवाक्या, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। अनुवाक्या, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर
मुझे भरोसा है। अनुवाद किया, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाद किया, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाद किया, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जय घोष। प्रभु कहता है, मैं पापी की मृत्यु से नहीं बल्कि इससे प्रसन्न हूँ कि वह पश्चाताप करे और अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु जैतून पहाड़ चले गए और वह बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी और वह बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है, आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु की परीक्षा लेते हुए यह कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिल जाए। यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। और वह फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सब के सब एक एक करके खिसक गए। यीशु अकेले रह गए और वह स्त्री बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्ट प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस सप्ताह में कलिसिया और पाठ हमें आध्यात्मिक यात्रा की ओर प्रस्थान करने के लिए आह्वान करती है। और जब हम आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं तो हम हमारे प्रवृत्तियों पर मनन और चिंतन करते हैं। कहा जाता है कि मनुष्यों में कुछ ऐसे प्रवृत्तियां होते हैं जिसके द्वारा हमारे जीवन का विकास होता है, अर्थात हम ईश्वर के प्रेम, दया, करुणा, शांति, सहनशीलता, मिलनसार और ईश्वर के प्रतिरूप में बढ़ते हैं। किंतु हमारे जीवन में कुछ ऐसे प्रवृत्तियां होते हैं जिनके द्वारा हमारा जीवन का विनाश होता है, और आज के दोनों पाठों में करीब करीब वही देखते हैं।
आज हम लोग दो प्रवृत्तियों पर मनन चिंतन करेंगे जिनके द्वारा हमारे जीवन का विनाश होता है। पहला प्रवृत्ति यह है कि हम स्वयं को ना देखकर बाह्य चीजों को देखते हैं और बाह्य चीजों पर इल्जाम लगाते हैं। ये हम मनुष्यों की सबसे बड़ी कमजोरी है। बाइबल में इसके बारे कई घटनाएं देखने को मिलती है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में पढ़ते हैं, जहां पे यीशु सभा गृह में जाते हैं, सभा में बैठते हैं, भाग लेते हैं और सभा के नियम के अनुसार उठते हैं और पाठ पढ़ते हैं। और पाठ पढ़ने के लिए जब पुस्तक खुली जाती है तब वह पाठ को पढ़ते हैं जो नबी एसाइस के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, यानी कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, जिससे मैं दरिद्र को सुसमाचार और बंदियों को मुक्ति का संदेश दे सकूं। इसके बाद यीशु मसीह बैठी हुई जनता को जीवनदायी वचन, मुक्तिदायी वचन और जीवन में परिवर्तन लाने वाला वचन की घोषणा करते हैं, उपदेश देते हैं। ईश्वर के वचनों को सुनकर काफी जनता जो वहां पे बैठी हुई थी उनके वचनों को सुनकर अमल कर रही थी और अंदर ही अंदर अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। किंतु वहीं पे कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो यीशु के वाणियों को सुनकर, यीशु के उपदेशों को सुनकर क्रोध होते हैं, भड़क जाते हैं और यीशु को मार डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन कारणवश यीशु निकल जाते हैं। और जितने भी लोगों ने यीशु को मार डालने की षड्यंत्र रच रहे थे वो यानी कि नकारात्मक प्रवृत्तियों में अपना जीवन यापन करते थे। इसलिए जीवन देने वाले यीशु, मुक्ति देने वाले यीशु और उद्धार करने वाले यीशु की हत्या करना चाहते थे। दूसरी घटना हम बाइबल में पढ़ते हैं, विशेष करके सुसमाचार में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पे यीशु अंतिम न्याय के दृष्टांत को सुनाते हैं, उपदेश देते हैं और लोग इन उपदेश को सुनकर कुछ लोग प्रसन्न होते हैं किंतु कुछ लोग पुनः यीशु को मार डालने का षड्यंत्र रचते हैं। हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 में पढ़ते हैं, वाक्यांश 1 से आगे, उपदेश को सुनकर जनता के नेता महायाजक एक कमरे में जाते हैं, बैठक करते हैं और षड्यंत्र रचते हैं कि यीशु का विनाश कैसे किया जाए। इसके बारे में यदि हम लोग मनन चिंतन करेंगे तो उनका जीवन ऐसे प्रवृत्तियों पर निर्धारित है जो उनको मृत्यु की कगार पर ले जाता है और हम अंत में वैसा ही देखते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब जब हम नकारात्मक चीजों पर पढ़ते हैं, नकारात्मक चीजों पर जीवन यापन करते हैं, हमारा जीवन का विनाश होता है। दूसरी घटना हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 में उनके शिष्य यूदास के बारे में। यूदास ने यीशु के साथ रहा, यीशु के साथ चला, यीशु के संग समय और जीवन बिताया, उनके चमत्कारी कार्यों को देखा और यहाँ तक कि उनके वाणियों, दृष्टांतों और वचनों को सुना, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में अमल नहीं किया। नतीजा क्या होता है? जब नौबत आने पर, समय आने पर यीशु को बेच डालते हैं। जब उन्होंने ऐसा किया तो हम मान सकते हैं, चिंता कर सकते हैं कि उनका जीवन सकारात्मक प्रवृत्तियों पर निर्धारित नहीं था और अंत में उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया। जब हम 40 काल में प्रवेश कर चुके हैं तो कलीसिया हमें इन्हीं बातों पर मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करती है कि मेरा जीवन कैसे और किस प्रकार के प्रवृत्तियों पर ढली जा रही है,
क्या मैं अपने प्रवृत्तियों के द्वारा ईश्वर के सदृश, ईश्वर के प्रतीक और ईश्वर के प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा हूँ अथवा नहीं? यदि नहीं तो हमें मनन चिंतन करने की जरूरत है। दूसरी बात हम मनन चिंतन करेंगे और वो है, हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, अपने पापों पर पश्चाताप अर्थात स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में सुंदर उदाहरण हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ में अध्याय 3, हमारे पूर्वज हमारे माता पिता आदम और हेवा के बारे में। आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, विपरीत जाते हैं और नतीजा होता है कि वे ईश्वर से दूर चले जाते हैं, वाटिका से बाहर किए जाते हैं। कारण यह है कि जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, पाप को स्वीकारते हैं, तो हमारा विनाश निश्चय होता है और यही बात हम आज के प्रथम पाठ में सुनते हैं जहां पर हम लोग सुसन्ना के बारे में पढ़ते हैं। दो न्यायकर्ता सुसन्ना को देखते हैं और वासना में पड़ जाते हैं। पढ़ने के बाद में उन्होंने उनके साथ गलत संबंध स्थापित करने को सोचा, किंतु अपनी गलतियों को सफाई देने के लिए जनता के सामने सुसन्ना को पेश करते हैं। लेकिन ईश्वर सुसन्ना का पक्ष लेते हैं और सुसन्ना का बचाव करते हैं। तो आज के पाठों के माध्यम से हमें यही एहसास होता है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकारें, अपने गुनाहों को स्वीकारें, अपने पापों को स्वीकारें। दूसरी बात हम सीखते हैं सुसमाचार के द्वारा कि हम दूसरों पर इल्ज़ाम ना लगावें, ताकि हम पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा। और कलीसिया 40 के इस अवसर पर इन्हीं बातों पर मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करती है कि क्या मेरा जीवन ईश्वर की शिक्षा और आज्ञा के अनुसार ढल रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो हमें सुधारने की ज़रूरत है। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और इस वक्त अपने संपूर्ण जीवन को पलट कर देखें, एक एक पलों को, एक एक घटनाओं को, कि क्या मैं ईश्वर की इच्छा आज्ञा के अनुसार जीवन यापन किया है अथवा नहीं। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पित भगवन, अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन, मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पित भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम बेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम बेदी पर, बदलते से अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे सा तेरे सा, मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पित भगवन, अपना ले मेरा तन मेरा मन भगवन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पवित्र रहस्यों का अनुष्ठान करने वाले हैं। हम अपने शारीरिक तपस्या का फल आत्मा की पवित्रता के द्वारा साहस प्रदर्शित करें। या कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। पिता या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम संयम के पालन से तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, जिससे हम पापियों की दृष्टा कम हो और दरिद्रों जैसा भोजन करने से हम तेरी साहिदयता का अनुकरण करें। इसीलिए हम असंख्य दूतों के साथ तेरा स्तुति गान करते हुए गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। पिता तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। भाती भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि लें,
तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में हम सभी से पहले परलोक को सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर, हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के साथ भागी बने, और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संतियों से प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रियक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहे पिता। जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परेशान न करो हे प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखे। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखे ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसलिए नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आजा
अपनी प्रजा को पापों से मुक्त कर, जिसे हम सुसंगति में रहते हुए हर विपत्ति से मुक्त रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतल में सांस तूने भरी, धीरे धीरे कर लिया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था बुरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं